हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जी, आज एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मतलब आज की वीडियो में अराउंड 15 प्लस होम डेकोर आइटम्स होने वाले हैं जो कि मैंने मीशो से परचेज करे हैं, दैट टू अंडर ₹200। यस, बस कुछ ही आइटम्स ऐसे हैं जो 200 से अबव हैं और कुछ कुछ शॉपिंग मैंने ना अमेजोन से भी करके रखी थी, तो उसको भी मैंने सोचा इसी वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि होम डेकोर है और अलग से उसका वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एंड गाइज, लिटरली मैं खुद ही शॉक हो गई थी यार कि इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें इतनी अच्छी क्वालिटी की कैसे मिल सकती है। बट येस, इट्स पॉसिबल विद मीशो। बहुत ही अमेजिंग सा सामान है। अगर आप भी होम डेकोर लवर हैं तो फिर आपके लिए तो ये वीडियो एक ट्रेजर की तरह होने वाली है, बिकॉज लिटरली ऐसे ऐसे जेम्स उठा के लाई हूँ ना मैं कि आप देख के खुश हो जाने वाले हो। एंड बाय द वे, बैकग्राउंड में भी जो आपको दिख रहा है वो भी आज की वीडियो का ही पार्ट है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, बट वो मैं एंड में दिखाऊंगी, अदरवाइज पीछे की सेटिंग ना भी बिगड़ जाएगी। सो येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो वॉट आर आई गॉट, देन प्लीज कीप ऑन वॉच। तो जी, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। पैकेजिंग में इसलिए आपको दिखा रही हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कैसी पैकेजिंग आ रही है, और ऑलमोस्ट सबकी अच्छी थी। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है वॉल हैंगिंग, एंड ये आप देख सकते हो, अभी आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा ये। सो बेसिकली इसमें लिखा है, वेलकम टू आर कंफर्टेबल, हैप्पी, समटाइम्स क्रेजी, फुल ऑफ लव होम। और मुझे ये हैंगिंग काफ़ी टाइम से चाहिए थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है, आप देख सकते हो। इसको ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया था, ऑलरेडी मैंने इसको हैंग कर लिया था, अभी मैंने आपको निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड मुझे स्पेशली इसकी लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इसे अपनी बालकनी में या फिर जो भी आपका एंट्रेंस है उधर पर आप इसको टांग सकते हो। बेसिकली आपको इस डिज़ाइन, इस पर्टिकुलर टाइप में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाएंगी। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही वाला लगा था और मेरे एस्थेटिक के साथ भी यही जा रहा था, सो आई रियली लाइक इट। इवन जो इसका ये स्ट्रिंग है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल फ्लिमजी सा नहीं है। एंड इसका जो ये मटेरियल है ना, इसको मैं एग्जैक्टली वुडन नहीं कहूँगी और इसको एग्जैक्टली मैं कार्डबोर्ड भी नहीं कहूँगी, दोनों का मिक्सचर टाइप ऑफ है, आप देख सकते हो, बट काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। प्लस आप देख सकते हो फ्रंट में ना इसके कुछ इस टाइप से शाइनी सा मटेरियल दिया हुआ है, जिससे कि ये गंदा नहीं होगा, लाइक ये डस्ट कैच नहीं करेगा। और आप इसको, अगर डस्ट कैच, इसके ऊपर डस्ट आ भी जाती है, आप इसे वाइप करोगे तो ये हट जाएगा और इसकी शाइन नहीं जाएगी, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छी है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। आई थिंक इस मटेरियल को कहते हैं MDF, जितना कि मैंने देखा मीशो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि इसको MDF कहते हैं, सो इट्स रियली नाइस। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको एक नेल भी मिल जाती है कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको नेल भी मिल जाती है, सो इसको आप ठोक सकते हो एंड देन यू कैन हैंग दिस वन। ऑल्दो मैंने ये वाला नहीं ठोका था, मैंने दूसरा ही अपने घर पे जो था उसको ही कर लिया, बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे फ्लिमजी लग रहा था, अदरवाइज ओवरऑल इट्स रियली नाइस। और इसकी प्राइस है गाइस सिर्फ और सिर्फ ₹147 के हिसाब से, दिस इज़ अ स्टील डील। एंड बाय द वे, मैं जितने भी आपको भी आगे प्राइसेस बताने वाली हूँ वो सब मैंने स्मार्ट कॉइन्स और ऑनलाइन पेमेंट करके ही मंगाए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम मीशो पे स्मार्ट कॉइन्स लगाते हैं और हम UPI से पेमेंट करते हैं तो हमें 20-30 रुपए का ऑफ मिल जाता है, तो उस तरीके से ऑफ कर करके सारी चीज़ें मिली है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए बिग थम्स अप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसको आप एक ऑर्गेनाइज़र कह सकते हो, और ये प्लास्टिक का ही है और ये आई थिंक मुझे 137 या 130 रुपीज़ में मिला था, अगेन स्मार्ट कॉइन्स वगैरह वगैरह लगा के। और इसमें मेरा रोज़ का डेली का स्किन केयर बहुत अच्छे से फिट इन हो जाता है। ऑफकोर्स मेरा सारा स्किन केयर तो इसमें नहीं फिट हो सकता, बट जो भी मेरी डेली की चीज़ें हैं, लाइक मेरे डेली के सिरम्स हो गए, मेरे डेली के मॉइस्चराइज़र हो गए, सनस्क्रीन हो गए, वो सब कुछ मैं इसमें लगा देती हूँ। इवन ये जो नीचे वाला ड्रॉर है इसमें मैं अपनी हैंड क्रीम वगैरह भी रख देती हूँ, तो सब कुछ अच्छे से इसमें फिट इन हो जाता है। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी, क्लिप शेयर कर दूंगी जिसमें कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो इसमें डेली की चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से आ जाती हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे इसमें कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा छोटा मोटा मेकअप यूज़ कर सकते हो, करते हो, तो वो भी इसमें ईजिली फिट इन हो जाएगा, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज एक ही जगह पर सारा सामान रहता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। इसका ड्रॉयर भी अच्छा है, कुछ इस तरीके से मिलता है। ऑल्दो इसकी क्वालिटी आई वोंट से लाइक 100% बेस्ट क्वालिटी, बट फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, क्वालिटी इज रियली नाइस, काफ़ी स्टर्डी है प्लास्टिक। नेक्स्ट मैंने ना ये वॉल स्टिकर्स मंगाए थे जो कि ये राउंड राउंड टाइप के शेप में थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगे। अगेन ये वही MDF मटेरियल है, जैसा मैंने आपको वॉल हैंगिंग का दिखाया ना सेम वैसा ही है। इसमें आप देख सकते हो शाइनी सा है, मेरी रिंग लाइट भी शाइन कर रही है इसमें, सो इट्स रियली नाइस। पीछे से पूरा कार्डबोर्ड टाइप का है और इसमें आपको बहुत प्यारी प्यारी से डिज़ाइंस मिल जाती हैं, लाइक आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके आप इनको लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मस्त सी लगती है। इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लाइक छोटे छोटे साइजेस के, बड़े बड़े साइजेस के। अभी आधे इधर मेरे पास आधे ही आधे मैंने वॉल पे लगा के रखे हैं। तो एक्चुअली इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, कि इसमें पीछे ना ये सेल्फ एडहेसिव ग्लू लगा हुआ आता है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इधर पे, तो ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्टर्डी नहीं है, ये उतना होल्ड करके नहीं रखता है चीज़ को, लाइक चीज़ आपकी गिर जाएगी,
और हाँ ये लगने के बाद कुछ इस टाइप से, अभी तो आपको शाइनी लग रहा होगा बट इट लुक्स रियली नाइस। तो है ना ये उतना होल्ड नहीं कर पाता है, तो मैंने सोचा है कि मैं डबल साइडेड टेप लगाऊंगी उसको ऐसे चारों तरफ लगा के और फिर मैं इसको स्टिक करूंगी, सो दैट ये प्रॉपर चिपका रहे एक जगह पर, अदरवाइज ये गिर रहे हैं तो वो चीज़ एक थोड़ी सी डाउनफॉल है। तो वो आपको थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी कि आपको इसमें अलग से डबल साइडेड टेप वगैरह लगाना होगा, बट आई थिंक जो क्वालिटी मिल रही है और जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उस हिसाब से मस्त है। ये मुझे मिले थे 169 रुपीज़ में, विच इज़ आई थिंक अ स्टील डील। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं, इसमें आपको और भी अपने हिसाब से, अपने एस्थेटिक के हिसाब से आपको डिज़ाइन वगैरह भी मिल जाएगी, सो यू कैन चेक दैम आउट। ओके देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये छोटे छोटे से क्यूट से प्लांटर्स कह सकते हो आप, इसे पॉट्स कह सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप से है। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं, इवन बैकग्राउंड में भी मैंने इन्हें ही लगा के रखा है। सो ये सेट ऑफ सिक्स में आए थे और इसकी प्राइस थी 157 रुपीज़। मैंने सबकी प्राइस इधर लिख के रखी है सो दैट बार बार मुझे फ़ोन में चेक करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो 157 रुपीज़ में गाइज सिक्स प्लांटर्स मिल रहे हैं, इतने क्यूट क्यूट से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैंने इस मैक्रेम पे टांगे हुए हैं। सो यस ये सेट ऑफ सिक्स मिल जाते हैं, बट मेरे साथ यू नो एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मुझे जो एक प्लांटर है वो कुछ इस तरीके से मिला, लाइक इसमें नीचे मुझे कुछ मिला ही नहीं, इसका पॉट नहीं था, सिर्फ ये था। तो मुझे वैसे देखा जाए तो सिर्फ 5 प्लांटर्स ही रिसीव हुए हैं, एक सिर्फ मुझे प्लांट ही रिसीव हुआ है, एक में पॉट आया ही नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं मीशो पे जो कि आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी अच्छी है, लाइक फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग आई थिंक आपको एक 30 रुपीज़ का मिल रहा है, 31 या 32 रुपीज़ का, उस हिसाब से ये काफ़ी क्यूट है। ऑल्दो इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, आप देख सकते हो मेरे पाम से भी छोटा है, तो साइज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बस हाँ छोटी मोटी जगहों पे टांगने के लिए जैसे मैंने मैक्रेम पे लगाया हुआ है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सही से आपको इसमें डिज़ाइन भी मिल जाती है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है, देन ये है, ओके सो उस हिसाब से इट्स रियली नाइस एंड यस अगेन इसके लिए एक बिग थम्स अप। ओके जो नेक्स्ट है मेरे पास वो मैंने ये क्रीपर्स मंगाए थे, सो ये सिक्स उसमें आए, सेट ऑफ सिक्स आए, इसकी लेंथ वगैरह कितनी है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, बट इसकी क्वालिटी, ओ माय गॉड द क्वालिटी इज रियली नाइस। अभी मैं इसको खोल नहीं रही अदरवाइज ये उलझ जाने वाले हैं, बट आप देख सकते हो कि लीव्स वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इवन आप इसे अपने बैकग्राउंड वगैरह में लगाओ भी ज़्यादा सुंदर लगता है। कुछ इस तरीके से भी इसको यू नो एक गुच्छे में बना के भी इसको इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो, इट लुक्स रियली नाइस। और जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है ना आसपास उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैंने लिया 171 रुपीज़ में, तो 171 रुपीज़ में मुझे सिक्स यूनाइस क्रीपर्स मिले थे जो कि काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और बेस्ट पार्ट ये कि लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटी सी लेंथ पकड़ा दी है इतने कम प्राइस में। 171 रुपीज़ के हिसाब से यार स्टील डील है, मतलब मेरा दिमाग किस टाइम पे हिल चुका है, मीशो पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही। ओके जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा क्लासी लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आई थिंक मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी शेयर करा था जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो बेसिकली ये वुडन हैंगिंग्स है एंड ये कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, तो आपको इसे असेंबल करना होगा। सो ये बेसिकली आपको चार मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और ये प्रॉपर वुड ही है, मतलब मैं इसे वुड ही कहूँगी, वुड प्लस कार्डबोर्ड मिक्स है आप देख सकते हो पीछे से, बट सामने से इसकी फिनिशिंग कुछ ऐसी आती है जो कि एक यू नो मैट वुड टाइप की सी फिनिशिंग है। सो बेसिकली इसके साथ आपको ऐसे अटैचमेंट्स मिल जाते हैं, आपको जस्ट इस तरीके से इसे अटैच करना है दिस, तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं और इसको आप लगा सकते हो कहीं भी अपनी बालकनी वगैरह में, आप इस पर कुछ इस तरीके से ऐसे प्लांटर सजा सकते हो। सो इट लुक्स रियली नाइस, स्पेशली मैंने ये जो प्लांटर्स हैं इसी के लिए मंगाए थे, बट वो मेरे मैक्रेम में भी काम आ गए। कुछ इस तरीके से इसको यू नो लगा सकते हो बैकग्राउंड वगैरह में या फिर अपने बालकनी वगैरह में, एंट्रेंस वगैरह में, बहुत अच्छा लगेगा। सो ये आपको चार का सेट मिल जाता है एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुकिंग है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, ओ माय गॉड इट्स लुकिंग सो नाइस। आप चाहो तो इसे डबल साइड टेप से भी चिपका सकते हो पीछे से, अदरवाइज आप इसमें ड्रिल भी कर सकते हो, इधर पे आपको साइड्स नेल के लिए भी जगह दी हुई है, तो आप जो चाहे मर्जी वो कर सकते हो। और ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 147 रुपीज़ में, ओ माय गॉड 147 रुपीज़ में यार, स्टील डील है, इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ। नेक्स्ट मैंने मंगाए वो कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आए थे, सब कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आ रहा है अच्छे से। सो बेसिकली ये है ये स्टिकर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड काफी ज्यादा क्वर्की भी है, प्लस आप इसको कहीं प्लेन सी जगह पे लगाओगे ना ये लिटरली लुक को एलिवेट कर देगा। सो ये बेसिकली कुछ ऐसे चार टाइप के स्टिकर्स आते हैं, इसमें कुछ ट्राइबल मैन एंड वुमेन बने हुए हैं, आप देख सकते हो कितने ज्यादा इसमें वाइब्रेंट कलर्स हैं और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगता है। तो फर्स्ट स्टिकर कुछ इस तरीके से है एंड ये अगेन वही MDF मटीरियल है, ऑल्दो इसमें ऊपर शाइन नहीं दी हुई है, आप देख सकते हो मैट फिनिश है इसमें, बट स्टिल इट्स रियली नाइस। और पीछेस में आपको डबल साइडेड टेप मिल जाता है, सो आपको बस इसे लगाना है एंड स्टिक करना है, विच इज़ वेरी इजी। देन जो सेकंड है वो कुछ इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ भी है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड ये कितना ज़्यादा यू नो किसी भी वॉल को एलिवेट कर देंगे, लाइक कोई भी प्लेन सी वॉल वगैरह है आप वहाँ इसे लगा सकते हो। मैंने सोच के रखा है वैसे एक जगह पर, तो वहाँ अगर मैंने स्टिक कर दिया होगा इस वीडियो तक तो उसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगी एंड यस काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और इसकी प्राइस जान के लिटरली आप लोग शॉक हो जाओगे, बिकॉज ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 109 रुपीज़
₹100 में मिला है, 109 या 110 कह लो, ₹110 में यार ये स्टिकर्स मतलब इतने ज़्यादा सुंदर हैं और अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चीप सा है, बहुत अच्छा है। और लिटरली आप इसको भी अगेन अपने एंट्रेंस में, बालकनी वगैरह में यू नो स्टिक करोगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला। देन गाइज जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ ना वो पीछे है एंड आपको दिख ही रहा होगा कि वो एक लाइट है, तो मैं उसे जल्दी से निकाल लेती। सो बेसिकली गाइज ये वाली लाइट है जो कि मैंने पीछे लगा रखी थी, RGB लाइट है एंड इसके साथ है ना आपको ये रिमोट भी मिल जाता है, तो इसको इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं लाइक फ्लैश, स्ट्रोब, फेड, स्मूथ, ये सारे मोड्स आप यूज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं आप देख सकते हो। ऑल्दो इसमें सारे कलर्स तो वर्क नहीं करते, कुछ कुछ ही करते हैं, बट स्टिल यार जिस प्राइस में मुझे मिला आई थिंक इट इज़ अ स्टील डील। और ये आपको सिर्फ ऐसे ही मिलता है, फिर आपको कनेक्शन अपना अलग से करना होगा, बट ये जो वर्क कर रहा हो जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था एकदम वैसा ही आया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से। और ये मुझे मिला था ₹191 में, ₹191 के हिसाब से यार स्टील डील है, बिकॉज ये वाली लाइट्स काफ़ी महंगी आती हैं, ऑल्दो ये ब्रांडेड नहीं है, ये तो ऑफकोर्स चाइना से ही है, बट स्टिल अभी आई डोंट नो कि ये कितने दिन चलेगा क्या चलेगा, आई हैव जीरो क्लू अबाउट दैट, बट आई एम होपिंग कि यार ठीक ठाक चल जाए। अगर अच्छा खासा चल गया तो फिर अच्छी बात है, फिर मैं और भी मंगा लूँगी, और भी डेकोरेशन के लिए, मंदिर वगैरह में भी डेकोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये ले ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको अपने मंदिर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर और भी लाइक एंट्रेंस वगैरह में, अच्छा लगता है ये सब। ओके सो जो नेक्स्ट चीज़ है, अगेन इट्स सो ब्यूटीफुल, सो क्लासी, सो ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आया है एंड ये बेसिकली सेट ऑफ 3 यू नो अगेन वही है, वॉल हैंगिंग कह सकते हो आप इसे, वॉल डेकोरेशन कह सकते हो एंड जस्ट लुक एट इट यार, कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है। लाइक इसको मैं इस तरीके से भी फ्रेम में लगाऊंगी ना, इट विल लुक सो क्लासी। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये मैट है, एकदम प्रॉपर मैट है, मैट फिनिशेस में आप देख सकते हो, ब्लैक कलर का है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसमें आपको फर्स्ट डिज़ाइन कुछ इस टाइप की मिल जाती है जो कि लीफ की है, सेकेंड डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है जो कि फ्लावर की है, ठीक है, एंड जो थर्ड वाली है ये ऑर्गेनिक लीफ है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा मुझे डैमेज आया है, देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा डैमेज्ड है, टूटा हुआ है यहाँ से, बट ठीक है यार, मैं इसको जाने मतलब मैं इसको रिटर्न नहीं करना चाहती बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है, सो इसको तो मैं रखने वाली हूँ डेफिनेटली। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, उल्टा पकड़ लिया मैंने, सो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो गाइज इसकी प्राइस जान के ना आप लोग लिटरली शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये मुझे मिला है ₹123 में। यस, क्या आप सोच सकते हो ₹123 में लाइक इतने सुंदर वॉल फ्रेम ही कहूँगी मैं, से इतना अच्छा सेट आपको मिल सकता है, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट हाँ, मैंने कुछ स्मार्ट कॉइन्स भी लगाए थे इसमें, इसलिए काफ़ी कम में मिल गया था। प्लस इसमें ना पीछे आपको डबल साइडेड टेप लगा मिल जाता है, आप देख सकते हो चारों तरफ लगा हुआ है, जिससे कि ये प्रॉपरली यू नो स्टिक हो जाता है एंड इट लुक्स अमेजिंग। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी प्रोडक्ट है, तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये। देन जो नेक्स्ट है ना गाइस, वो मैंने अभी पीछे से ही निकाला, एक्चुअली मैंने ये पार्ट शूट करा था, समहाउ क्लिप डिलीट हो गई। सो बेसिकली ये मैक्रेम है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है एंड जस्ट लुक एट द डिटेलिंग्स, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल इसमें डिटेलिंग्स दी हुई है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी भी है, ऐसा नहीं है इतना सस्ता है तो कुछ भी, एंड इसकी हैंगिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस इसमें जो ये मटेरियल है ना, दिस इज़ वुड एंड दिस इज़ प्योर वुड, फॉक्स वुड नहीं है, दिस इज़ रियल वुड एंड इट लुक्स रियली नाइस। तो बेसिकली इसको ही डेकोरेट करने के लिए मैंने ये जो वॉल हैंगिंग्स लाइक ये जो पॉट्स हैं वो मंगाए थे एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये साइड में एक मेरा ब्यूटीफुल सा कोजी सा कॉर्नर बन गया है। एंड बेसिकली मैंने इसको इसलिए मंगाया था क्योंकि मुझे ये स्विच बोर्ड वाली सिचुएशन थी, इसको मुझे हाइड करना था। एंड कैन यू गेस इट्स प्राइस, इट्स जस्ट फॉर ₹157 में यार, इट इज़ अ स्टील डील। और मीशो पे आप देखोगे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मैक्रेम की, मुझे सबसे बेस्ट यही लगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मैं और भी अभी मंगाने वाली। तो गाइज इधर ना मीशो के सारे आइटम्स खत्म हो जाते हैं, अब मैं आपको अमेजोन के प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। सो अमेज़ॉन से सबसे पहले ना मैंने ये वॉल स्टिकर्स या पोस्टर्स कह सकते हो ये मंगाए थे और पैकेजिंग देखो यार कितनी ज़्यादा अच्छी आई है एंड ये कुछ सेट ऑफ 12 में आ जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ये बोहो लुक देने के लिए एकदम परफेक्ट है। सो ये कुछ इस तरीके से हैं स्टिकर्स, आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें बहुत ही सही सही सी डिज़ाइंस दी हुई हैं। एक्चुअली मैं आपको अभी डिज़ाइन नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये फोल्ड हो चुके हैं सारे। सो बेसिकली या कुछ इस तरीके से इसमें बहुत ही सुंदर सी बोहो बोहो सी डिज़ाइंस दी हुई हैं। अगर आपको बोहो टच देना है अपने बैकग्राउंड में या फिर यू नो अपने ड्राइंग रूम में, तो आप इसको लगा सकते हो, इट लुक्स अमेज। जब तक ये वीडियो आ गई होगी, अगर मैं इन्हें स्टिक कर चुकी होंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये मुझे मिले थे 250 या 240 रुपीज़ के, उस हिसाब से अच्छा है। ऑल्दो ये जस्ट देखा जाए तो एक पेपर ही है, बट इट्स नाइस, इसमें शाइन भी दी हुई है,
तो ये अच्छा लगता है। देन आपको पता ही होगा यार, अमेजोन पे ना डील्स वगैरह चलती रहती है, सो उस पर कुछ डील ऑफ द डे समथिंग चल रहा था, तो और मैंने देखा कि यार डबल बेडशीट मिल रही है बहुत ही सही वाले प्राइस में, तो मैंने ये मंगा ली। इसका भी आई थिंक मैंने शॉर्ट शेयर करा था, सो ये कुछ इस तरीके से है, इसके कुशन कवर्स कुछ इस तरीके से, इसमें ज्योमेट्रिक सा प्रिंट दिया हुआ है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। थोड़ा पॉलिएस्टर ब्लेंड टाइप का मटेरियल है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड 200 रुपीज़ में डबल बेडशीट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत सही डील में मुझे ये चीज़ मिल गई। ओके, देन नेक्स्ट ना मैंने ये मंगाए थे, ये बेसिकली मिरर स्टिकर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो ये कुछ ऐसे हेक्सागोनल शेप में आते हैं और इसमें आपको 32 पीसेस मिल जाते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आते हैं और इसके ऊपर से आपको ये जो शीट लगी हुई है वो हटानी होती है और ये प्रॉपर एक मिरर वाला लुक देते हैं। रेंटेड अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो और आप नहीं अब इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो मिरर एंड ऑल में, बिकॉज ऑफ कोर्स मिरर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। और ये बेसिकली कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया था, तो मैंने जब इसे ओपन करा तो इसे ओपन करके तो मैं काफ़ी खुश थी कि चलो भाई काफ़ी अच्छा आया है, पैकेजिंग भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, बट देन आई वॉज मोर शॉक्ड क्योंकि इसके अंदर ये भी था, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसके साथ ये भी आएगा। सो इसके साथ बेसिकली आपको ये ऐसी बटरफ्लाइज भी मिल जाती है, आई थिंक ये भी 32 होगी, मैंने गिना नहीं कितनी है। सो इसको भी आप यू नो डेकोरेट कर सकते हो कुछ इस टाइप से, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं ये चीज़ें, काफ़ी अच्छी डील में ये मिल गए थे मुझे। आई थिंक इसकी प्राइस मुझे याद नहीं आ रही बट आई थिंक 300 के अंडर ही था, तो काफ़ी अच्छी डील है। देन नेक्स्ट मेरे पास इतना बड़ा सा ये एक यू नो पैकेजिंग में सामान, एंड ये मैंने अमेजोन से ही परचेज करा है। सो ये वुडन का है और ये कुछ इस तरीके से है, ये 3-tier सिचुएशन इधर आपको मिल जाती है। सो ये स्टैंड कह सकते हो इसको, फ्लावर पॉट या वेसेस या फिर जो हमारे प्लांटर्स होते हैं उसको आप सजा सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप से आता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फॉर द प्राइस 310 रुपीज़, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और प्रॉपर आपको वुड में मिल जाता है, वुड फिनिशिंग मिल जाती है, प्लस ये फोल्डेबल है तो आप जब इसको चाहो फोल्ड भी कर सकते हो। एक 310 रुपये में आई थिंक इट इज़ अ स्टील डील। जो नेक्स्ट मैंने परचेज करा है वो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया है, ये भी एक फोल्डेबल टेबल है, सो ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज करा और ये सेम सेलर से ही है दोनों चीज़ें। सो ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है एंड ये थोड़ा सा छोटा आया है, लाइक मैंने थोड़ा बड़ा साइज एक्सपेक्ट करा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसको मैं इधर भी रख सकती हूँ यू नो डेकोरेशन वगैरह के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फोल्डेबल है और ये मुझे मिला था 389 रुपीज़ में, विच मीन्स ऑलमोस्ट 400 का है, उस हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा कम हो सकता था, लाइक अंडर 300 या 300 होता तो भी सही रहता, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये ओवर प्राइस लगा, बट क्वालिटी वगैरह अच्छी है इसकी एंड अगेन आप इसको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट हाँ इससे ज़्यादा साइज़ बड़ा मत एक्सपेक्ट करना, ये इतने ही साइज़ में आता है, साइज इसका थोड़ा कम ही है, छोटा मिनी टेबल टाइप ऑफ लगेगा ये। तो यस गाइज दैट्स इट, आज के होम डेकोर के लिए इतना ही, मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगाई एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड एज वेल ये सब चीज़ें डेकोरेशन करने। आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।